हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जो कैंपिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको आप कैंपिंग में यूज़ कर सकते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है ये एक कंपास है। ये 500 का मैंने लिया था, जिसमें ये नॉर्मल है, इसकी छः महीने की वारंटी दी थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता नहीं कि कभी वारंटी के लिए शायद यहाँ पर फ़ोन करना पड़ता होगा। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। ठीक है, ये इसके 500 का लिया था मैंने। लिक्विड कंपास है, इसमें कैरी बॉक्स भी दिया उन्होंने, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कैरी बॉक्स है। ठीक क्वालिटी है। ठीक है, ये एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कैसे कैसे आपको इसमें यूज़ करना है। ठीक है, और ये मेटल बॉडी का हैवी है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें आपको ये कंपास दिया हुआ है, आपको कभी कैंपिंग वगैरह में जाएँ या कुछ यूज़ करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ भी दी, एक यहाँ पे इंच के लिए भी दिया है उन्होंने, स्केल भी दिया हुआ है, और एक यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया हुआ है लेवल के लिए, जैसे कि आपको लगता है कि ये कंपास किस सही लेवल पे है या नहीं, तो आप इसको यहाँ पे, आपको बबल दिख रहा होगा, उस बबल को आप जस्ट सेंटर में करेंगे तो ये लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, मेटल बॉडी का है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो यहाँ से आप शायद इसकी ऊंचाई, यहाँ पे से देखने से ये आप देखोगे, यहाँ पे देखने से इसकी कुछ ऊंचाई का पता चलता है, हाइट का पता चलता है, तो यहाँ पे देखने से यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे से भी जो इसमें एक कट दिया होगा यहाँ से देखने से भी। ठीक है, ये मेटल बॉडी का है, नीचे प्लास्टिक है। ठीक है, नीचे भी कुछ ये मैनुअल्स लिखे हुए हैं उसके, 500 का है, और साथ में एक ये ओपन हो जाता है, ये आप इसको ये गले में भी लटका सकते हैं, ये धागा दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये लिक्विड का है, लिक्विड दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये ऑयल ये यहाँ पे इन्होंने लेवल के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे बबल को सेंटर में रखने से ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने हाइट मापने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये अच्छा है, और ये मेटल में है। ठीक है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो, अगर आपको लगे कि आपको ये डायरेक्शन सेट करनी है, डायरेक्शन अपनी सेट करके, तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्शन सेट कर सकते हो, इसको घुमा के आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप घुमाओगे तो ये घूम जाता है। ठीक है, इससे आप अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। ठीक है, मेटल बॉडी में अच्छा है, लेना चाहो तो ले सकते हो, कैंपिंग वगैरह में यूज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा वज़न है इसमें कुछ हल्के भी आते हैं, आप हल्के भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा वज़न में है, तो जैसा आपको लगे ठीक आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये ट्रैवल हैंगर है, इसको भी मैं कैंपिंग में यूज़ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये 6 का पैक है, इस बॉक्स में 6 हैंगर हैं, और आपने देखा होगा जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो कपड़े सुखाने के लिए वहाँ पे आपको कुछ जगह नहीं मिलती। ठीक है, गीले कपड़े जो होते हैं तो पहाड़ गीले के में जाते हैं तो कपड़े सूखते नहीं हैं, तो उसमें क्या है, इसमें वजन भी बहुत कम है, प्लास्टिक का है ये। ठीक है, ये देखो, ये फोल्ड होकर इतना सा हो जाता है, छोटा हो जाता है, अगर आप इसको खोलते हैं। ठीक है, ये खोलने के बाद में ऐसा हो जाएगा, इसमें नॉर्मल आप अपने कपड़े सुखा के कहीं भी घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर सुखा सकते हैं, और अगर आपका इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो इसको ऐसे ही दोनों साइड से जैसे आपने खोला था वैसे आप इसको करके बंद और अपने बैग में डाल के ये 200 कंपनी की आइटम थी, 240 के आसपास की, ट्रैवल वगैरह में यूज़ होती है, कभी भी आप जाओ तो 2 पीस या 3 पीस ले जाएँ साथ में। ठीक है, आपको वहाँ पे कपड़े सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे आपके कुछ इनर्स होते हैं या कुछ कपड़े होते हैं तो आपको सुखाने में दिक्कत होती है, गेट पे नहीं सुखा सकते या टांग सुखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप इसके इस पे कहीं सुखा सकते हैं, खिड़कियां वहाँ पे अगर कहीं गंदी होती है, रस्सी गंदी होती है, दीवार गंदी होती है, तो आप इस हैंगर का यूज़ कर सकते हैं या इससे भी, और ये ईजी, या आप कैंपिंग में जा रहे हैं, कैंप में कपड़े सुखाने हैं आपको टेंट के अंदर में, तो स्पेस दिया होता है तो वहाँ पे आप इस हैंगर के थ्रू अपने कपड़े सुखा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 240 का लिया था, ये भी फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने, ये 500 का लिया था, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। ये एक मल्टी टूल्स है,
ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, एक मल्टी टूल्स है, थोड़ा वजन है इसमें, थोड़ा वेट है इसमें, ठीक है। इसको भी आप कैंपिंग में ले जा सकते हैं, क्योंकि आप सोच मतलब कि कैंपिंग के टाइम में आपने सोच देखा होगा कि लोग ऐसी चीज़ें लेके जाना चाहते हैं जिसमें कि एक ही चीज़ में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें निकल जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये 8-in-1 है, जैसा कि मैंने बताया था लेने के टाइम पे, कहीं पे लिखा नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल है कहीं पे, ठीक है। ये बिल्कुल तीखा सा दिया हुआ है, ठीक है, ये घूमने के लिए कुछ, इसका यूज़ मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन होता है ये, ठीक है, इसको आप बंद कर सकते हैं। दूसरा ये धागा डाल के कुछ चीज़ों को निकालने के लिए शायद इसका इस्तेमाल होता होगा, इसमें होल भी दिए हुए हैं, सुई की तरह शायद इसका इस्तेमाल होता होगा। ये दूसरा, आप अगर आपको नेल रगड़ने हैं या कुछ, जैसे कि आपको नेल्स रगड़ने होते हैं तो ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नाइफ हो गया, ये नाइफ़ की तरह इस्तेमाल होता है। ये एक स्क्रू ड्राइवर है, हो गया है, जो कि प्लस स्क्रू ड्राइवर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ में दिए हुए हैं उन्होंने, ये मैं दूसरी साइड को ओपन कर लेता हूँ पहले। ये एक नाइफ है, ये नाइफ दिया हुआ है, चाकू है ये, और इसकी धार बहुत तेज है, थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख के आप खोलना, एक आरी की तरह दिया हुआ है ये, ठीक है। ये इसमें ये 8-in-1 नहीं हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। 4 मैंने यहाँ पे ओपन किए थे, 4 यहाँ पे हैं, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 10 यहाँ पे हैं, और 1, 2, 3, 4 13 के आसपास है। ये तो 8-in-1 हो गया है लगभग, क्योंकि इसमें एक नाइफ है, एक यारी के लिए कुछ दिया हुआ है काटने वाटने के लिए, जैसे आपको लकड़ी वगैरह या कुछ काटना हो, ये भी तेज है ये, शायद बोतल ओपनर हो गया। ये भी बोतल ओपनर की तरह ही लग रहा है मुझे। ये एक सीजर हो गया, कैची हो गई, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 यहाँ पे हैं और 10 यहाँ पे, 15, ये 15-in-1 हो गया है, ठीक है। इसको की रिंग में डाल के आप आराम से ले जा सकते हो। इसमें 18 टूल्स दिए हुए हैं, जस्ट एक इसमें, और ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्टील बॉडी में लग रहा है। ये ऊपर वाला शायद लोहे में होगा, लेकिन ये नीचे वाला सब हैवी है, इसका वेट है। ये मैंने 250 के आसपास का लिया था, फ्लिपकार्ट से लिया था शायद मैंने। ये भी कैंपिंग में यूज़ होने वाली चीज़ है। अब इसको अगर कैरी करते हैं तो आपको बहुत सारी टूल्स नहीं लेके जाने पड़ेंगे, इससे ही बहुत सारा काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप, हाँ, एक और मैंने ये लिया था, ये एक टॉयलेटरी बोलते हैं शायद इसको, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था। ये 499 का लिया था मैंने, वॉश बैग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जैसे कि आप कैरी करके कहीं लेके जाते हैं तो आपको, आपने देखा होगा कि आपके जैसे कि टूथपेस्ट होता है, ब्रश होता है, या कुछ इरेजर वगैरह, कुछ चीज़ें रखने के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए बैग में, नॉर्मल नहीं डालने की जगह आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें 3 चैने ली हुई हैं, कपड़ा क्वालिटी का अच्छा है, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 चैने दी हुई हैं। और ये मैंने, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने डिकैथलॉन से लिया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, जो मैं आपको पहले की वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। और सब अपने सामान रख सकते हैं, टूथब्रश रख सकते हैं,
ट्रिमर रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं, ठीक है। वो शीशा मेकअप का सामान छोटा मोटा जो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें तीन चैनें दी हैं और इसको आप ऐसे थोड़ा सा घुमा के राउंड करके घुमाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें एक बेल्ट दी हुई है, इस बेल्ट को जस्ट आपको घुमा के आप इसको इसमें बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। और कपड़े क्वालिटी का कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो इस बैग की कपड़े की क्वालिटी है, ठीक है। इसमें लॉक लग जाएगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। जैसा आपका सामान ज़्यादा होगा तो आप उसको थोड़ा लूज़ कर देना, अगर आप कम है तो आप इसको टाइट कर लेना। ये मैंने 499 का लिया था, ये डिकैथलॉन से लिया था, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, ठीक है। ये कैंपिंग की आइटम है जो नीचे पड़ी है, आपको दिख रही होगी। जैसे कि ये बैग हो गया, ये कंपास हो गया, ये हैंगर हो गए, पोर्टेबल हैंगर हो गए, ठीक है। और एक ये मल्टीपल टूल्स हो गया, ठीक है। अगर आपका आपको लगता है कि आप कैंपिंग में जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि इन प्रोडक्ट या घूमने भी जा रहे हैं आप नॉर्मल कहीं पे, या स्टेशन पे या कहीं पे भी, अगर आपको लगता है कि आपको इन प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।